सशक्त नारी सशक्त भारत जैसे नारों को लेकर एक ओर भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जोर देकर देश प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके हक का उनको सम्मान दिलाने हेतु लगातार प्रयासरत हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक महिला जन प्रतिनिधि को जिले के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपमानित करने का मामला सामने आया। उमरिया जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा दिवाकर सिंह ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुल गुप्ता पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि वह बतौर जिला पंचायत उपाध्यक्ष व महिला जन प्रतिनिधि के नाते जिले के हितग्राहियों की समस्याएं लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष पहुंची थी, जहां उन्होंने सिर्फ मास्क न लगाने को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुल गुप्ता ने मुझे भला बुरा कहा, जिस पर मैंने उनसे चार बार माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने अपना आपा खो दिया और गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए चेंबर से तत्काल बाहर निकल जाने को कहा। जिला पंचायत परिसर में मौजूद जनता के सामने एक अधिकारी द्वारा महिला जन प्रतिनिधि को अपमानित करने की आप पीटी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष ने रोते रोते मीडिया से सुनाई। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सीमा दिवाकर सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूं और उपाध्यक्ष के पद में भी हूं जिला पंचायत उमरिया में। आज मैं सीओ के पास, जिला पंचायत सीओ के पास आई। जिला पंचायत सीओ, मैं मास्क नहीं लगाई थी, मेरी गलती थी। फिर मैंने उनसे माफी मांगी, चार बार सॉरी बोला, पर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां शिवराज सिंह जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब मैं सीओ साहब से माफी मांग रही उसके बाद भी वो मुझे बोला यहाँ से बाहर जाइए, बाहर जाइए। मैंने बोला सर मैं मास्क रखी हूँ गाड़ी में, मैं घर में नहीं, मैं लगा रही, फिर भी उन्होंने मेरे को गाली दी और मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह मेरे से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, बताइए। जब महिला जन प्रतिनिधियों के साथ यह बर्ताव हो रहा है तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे अधिकारी आम जनता को कितना अपमानित करते होंगे। नीरज सिंह रघुवंशी, रिपोर्ट।